हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारा गांव ब्लॉग में। गांव में आया हूँ तो कल आया था शाम को, तो आपको पूरे लगभग जब से वो एक तूफान आया तब से मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, कहीं पे बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे बहुत दिन से तब से बारिश हुई नहीं, लेकिन यहाँ पे रात से बारिश हो रही है। क्योंकि मैं जो काम करने आया तो वो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में तो कैसे कर सकता है। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बारिश थोड़ी सी कम हो तो मैं कुछ करके आऊँ। खेत उसमें ईख जो बोई थी उसमें जाके थोड़ा खाद वगैरह डालना है, तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। बारिश थोड़ी सी कम होगी तो जाऊँगा, क्योंकि बारिश में लेके जाऊँगा तो खेत तक पहुँचने में पूरा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो यूरिया होता है ना तो पिघल जाता है पानी लगने के बाद। तो अभी नहीं जा सकता वो लेके, तो इंतज़ार करो। तो अभी मैं बैठा हुआ था ऐसी, तो एक ताई है हमारी, तो कुछ कुछ सवाल पूछ रही थी। अब मेरे पास तो जवाब है नहीं सारे, अब जवाब क्योंकि सवाल ही ऐसे हैं तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूँ। तो मैंने पूछा कि हमारे दर्शकों से ही पूछ लो ताई, तो कहती ठीक है पूछ लेती हूँ उनसे। तो अब मैं ताई को भेज रहा हूँ, ताई आएंगी, उनके कुछ सवाल पूछेंगी, तो आप अपना जवाब बता दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा कि क्या आंसर होना चाहिए उसका। बहुत इसे परेशान है बेचारी ताई। ठीक है ताई, आ जाओ इधर ही आ जाओ, यहाँ लाइट सही आ रही है। ठीक हो बालको? बेटा मैंने बूझू, मैंने या लौंडा से भी बूझी, थारे ताऊ से भी बूझी, ना थारे ताऊ ने बताई ना या लौंडा ने बताई, अब मैं काई से बूझू बता, ना यू बतावे ना या को ताऊ बतावे ना कोई बतावे। अब मैंने जो सवाल पूछी, अब तारे ताऊ नू कहवे यू कैसे बावले सवाल कर रही है तू। अब बेटा बावले हैं जैसे भी हैं, सवाल हैं वाको जवाब देना चाहिए, कोई जवाब भी ना देता। अब बेटा मैं तुमसे पूछना चाहूँ, तुम नु बताओ, जैसे तुमने देखो होएगा गाँवन में कोई गाँवन में कहीं भी कोई छींक दे, तो जैसे गाँवन में कोई छींक है तो नु कहते हैं छत्रपति। अब शहरन में कोई छींक है और छींक तो फिर वो कहवे सॉरी। अब वाने तो छींको बेचारे के छींक आ गई और वही सॉरी बोले। मैंने सोचूं जैसे रेलन में जावे हम या टेम्पो में बैठ के जावे, मेट्रो में भी देखी होगी तुमने, अब कोई कोई भी पात दे और बेटा इतनी बुरी बदबू आए वहाँ महसूस, अरे पात के उस उसे वाकु सॉरी कहने चाहिए, वो सॉरी ना बोले, वो चुपचाप बैठ खड़ा रहे वह। तो बेटा मेरा न्यू सवाल है, जिसने पादो है वाकु सॉरी कहनी चाहिए, वो बेचारा जिसने छीको है वाकु सॉरी कहने की क्या जरूरत है? तो मेरा यूं ही सवाल हो। अब बेटा सवाल पूछूं तो बताती ना कोई जवाब, अब मैं तो सोची तुमसे ही पूछ लूँ कैसे क्या करना चाहिए, या मैं जो पाद है वाकु सॉरी कहनी चाहिए ना कहनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बेटा कहनी चाहिए, अब तुम बताओ। अब ठीक है पाद दिए तो का है वो पाद सके है, अब या मैं वो थोड़ी है वाकी गलती थोड़ी है, आगो तो आगो। तो बस मेरा यूं सवाल है बेटा, वाकू सॉरी कहनी चाहिए या ना कहनी चाहिए, तो तुम बताओ अभी अपने, या कि ये लौंडा ने यू चैनल सा बना रखो है का कहवे, या मैं बता दो लिख के कौ कहनी चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, रोम रोम। तो दोस्तों मिलिए आप हमारे दाई से, आपने देख लिया हमारे दाई के सवाल, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं हमारे दाई, अब ताऊ नाराज ना हो तो क्या हो। हमें भी नहीं समझ आ रहा ताई के सवाल का जवाब क्या दें। वैसे ताई के सवाल देखा जाए तो बहुत सही हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन भाई कोई भरी महफिल में पात के सूरी कैसे बोल सकता है ना, वो बेचारे के लिए वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन सवाल तो सही है देखो मेरे हिसाब से तो आप बताएं जवाब क्या होना चाहिए ताई के सवाल का, तो आप कमेंट में जवाब दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, रोम रोम।